वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है कि जब हम अपने बालों को रीबॉन्डिंग करवाते हैं, यानी कि परमानेंट स्ट्रेटनिंग सलॉन्स में जाके, या फिर अपने घर पे जब हम टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करते हैं मेरी तरह, यस स्ट्रेटनर लेके उसको प्रेस करते रहते हैं अपने बालों को, जैसे कि मैं बहुत करने लगी थी बीच में, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों अचानक से भूत चढ़ गया था कि मुझे स्ट्रेट हेयर ही चाहिए है। तो उसके बाद जो डैमेज होता है बालों को, तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए। ओके, हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा वेवी होते हैं, फ्रिजी होते हैं, अनमैनेजेबल होते हैं। इस चक्कर में हम ऑप्ट करते हैं कि हम रीबॉन्डिंग करवा लेंगे, तो उससे बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। सिल्की स्मूथ होते हैं अनडाउटेडली, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन ओवर द टाइम जब उसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है, तो आप देखते हैं कि आपके बाल स्पेशली यहाँ टिप्स पर से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। फिर आप फिर उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है वो ढूंढने लगते हैं। एंड यही सेम चीज़ होती है अगर आप घर में भी स्ट्रेटनिंग करते हैं स्ट्रेटनर से, जैसे कभी कभार कर लिया, ठीक है ना, कभी मैं कर लिया वो भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे के साथ ही, तो ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली अब आप इतना जलाओगे अपने बालों को, तो बाल ड्राई, डैमेज और रफ तो होंगे ही। और ये चीज़ हम तब तक रियलाइज़ नहीं करते हैं जब तक डैमेज को ज़्यादा ही ना हो जाए। और जब तक हम ये रियलाइज़ करते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो फिर हमारी खोज स्टार्ट हो जाती है कि अब ऐसा क्या कर दे कि हमारे बाल वापस से सॉफ्ट हो जाए, वापस से हेल्दी हो जाए। तो यस, आज वही मैं आपको बताने आई हूँ कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे स्ट्रेटनिंग के करने की वजह से जो बाल डैमेज हुए हैं वो रिपेयर हो सके, वापस से बैक टू लाइफ आ सके, बैक हेल्दी हो सके, एंड यस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी भी हो सके। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो मेथड है बहुत 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 ज़्यादा इफेक्टिव है एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपल है एंड अफोर्डेबल है। आपको ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है सलॉन्स में जाके, ज़्यादा कॉस्टली स्पा करवाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो मैं ट्रीटमेंट आज आपको बताऊँगी इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पा, बट हाँ इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रादर देन जैसे कि कभी कभी हम स्पा करते हैं तो उसमें हमें चाहिए होता है 1-1.5-2 घंटा, लेकिन ये वाला जो मेथड है इसमें हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, दैट्स इट। आधे घंटे में आप देखेंगे कि फर्स्ट यूज से ही आपके बाल कितने ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और रिपेयर लग रहे हैं। मैंने भी जब अपने बाल ऐसे रोज़ स्ट्रेटनिंग करने से जला लिए थे, एक्चुअली एक टाइम था, अगर मैं पहले यूट्यूबिंग कर रही होती तो आप पहले मेरे बाल देखते, एक टाइम था मेरे बाल अलग अलग तार के जैसे अलग अलग हो जाते थे एंड मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी कि यार ये कर क्या लिया है मैंने, अच्छे बनने के चक्कर में अपने बाल पूरे ख़राब कर लिए। बट देन ये रेमेडी यूज़ करते करते मैंने अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा रिपेयर कर लिया है, काफ़ी पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं मेरे बाल। मूव ऑन करने से पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल बटन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हमें इस ट्रीटमेंट के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जो पहली चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, वो है नीम का तेल, नीम ऑयल। ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या फिर किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे भी मिल जाएगा, पूछ सकते हैं आप, कॉस्मेटिक स्टोर्स पर भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा ईजिली आपको मिलेगा किसी भी केमिस्ट शॉप यानी कि मेडिकल स्टोर पर। एंड इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि हमें नीम एसेंशियल ऑयल नहीं चाहिए है, हमें रेगुलर नीम ऑयल चाहिए है, रेगुलर वाला नीम का तेल चाहिए है। तो आप एसेंशियल ऑयल मत लेना, भूल कर भी मत लेना, क्योंकि अगर आप एसेंशियल ऑयल ऐसे ही अनडाइल्यूटेड सर पर लगा लेंगे तो आपका सर जल जाएगा। और जो दूसरी चीज़ है वो है एलोवेरा जेल। तो आप सभी को पता होगा कि एलोवेरा जेल के काफ़ी सारे फायदे होते हैं हमारी स्किन और बालों के लिए, दोनों के लिए। तो आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो जो नेचुरल एलोवेरा लीफ है उसमें से भी जेल निकाल के यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। स्टिल अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो मैं दो ब्रांड ही सजेस्ट करूँगी, आई तो यूज़ पतंजलि का एलोवेरा जेल और यूज़ वाव एलोवेरा जेल, और जो तीसरा ऑप्शन जो है वो है नेचुरल एलोवेरा जेल जो आपको एलोवेरा लीफ से मिल सकता है। तो अब हम बनाते हैं इसका पेस्ट। अब ये पेस्ट बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आप एक कांच का बाउल ले लीजिए, मैं बोलूँगी कि आप कांच का या फिर प्लास्टिक का ही बाउल लीजिए, आप स्टील का बाउल मत लीजिए, स्टील की कटोरी मत लीजिए, कांच की कटोरी ही लीजिए। एंड इसमें अपने बालों का आपका जितना वॉल्यूम है, आपके बाल जितने घने हैं उसके हिसाब से अंदाजन आप नीम ऑयल ऐड कर लीजिए। ओके, यहाँ पे मैंने नीम ऑयल ऐड कर लिया है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, लगभग 1.5 चम्मच आप एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेमी लिक्विड सा पेस्ट बन गया है। अगर कुछ ज़्यादा ही गीला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी है, तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। ओके, तो ये पेस्ट बन गया है एंड इसकी कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से, सेमी लिक्विड है ये, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, परफेक्ट है। ओके, तो ये तो मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें अपने बालों पे अप्लाई किस तरीके से करना है। उससे पहले या सबसे पहले आप कोई घर की टी शर्ट पहन लीजिए, जो ज़्यादा यूज़ में, मतलब जो ख़राब हो जाए तो इतना दुख ना हो। तो ये मैं पहले से पहन के बैठी हूँ, या क्योंकि ये थोड़ा सा हो सकता है कि ड्रिप हो, वैसे तो ड्रिप नहीं होता है लेकिन सेफ़र साइड चलना चाहिए। और अगर ये ड्रिप होता है बालों में से, तो अगर वो टी शर्ट पर आएगा भी तो ठीक है ना, घर की टी शर्ट है, हो गई ख़राब, कोई बात नहीं। तो आप अपने बालों को सबसे पहले सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। उसके लिए सबसे इजी जो होगा वो ये होगा कि आप अपने बालों को इस तरीके से हाफ लीजिए, ऐसे हाफ कर लीजिए जैसे आप हाफ पोनीटेल बांधते हैं, एंड इसको ऐसे बन में रोल कीजिए। ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसे ही, और क्लच कर लीजिए, क्लेचर लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपने बालों को इस तरीके से ऊपर सिक्योर कर लिया है एक बन में। अब ये जो नीचे के बाल बचे हुए हैं, इनको मैं इस तरीके से दो सेक्शंस में आगे ले लूँगी एंड इसको अच्छे तरीके से डीटैंगल कर लूँगी। आप हाथों से भी कर सकते हैं, एक्चुअली मैंने अभी डीटैंगलिंग की थी, तो मतलब जो इसमें उलझे हुए बाल थे उन्हें सुलझाया था, इसलिए मैं हाथों से कर लूँ। आप कोम्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें से एक छोटा सा सेक्शन लेना है अपने बालों का। अब ध्यान रखिए कि अगर आपके बाल ज़्यादा डैमेज्ड है नीचे की तरफ, क्योंकि डैमेज सबसे ज़्यादा ना ऐसे टिप्स पर होता है, एंड्स पर होता है, ऊपर इतना नहीं होता है, तो आप पतले स्टैंड ही लीजिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मोटा हो जाए कि जितना भी हमने पेस्ट बनाया है वो लगे ही ना। आप चाहे तो इस पेस्ट को ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से ईजी रहेगा थोड़ा। तो इसको इस तरीके से लगाइए, जैसे आप स्पा में करते हैं ना, क्रीम लगाते हैं, उसी तरीके से इस पेस्ट को अपने बालों पे लगाइए और टिप्स पर ज़्यादा लगाइए, इस तरह से टिप्स पर ज़्यादा लगाइए और कुछ 30 सेकंड्स के लिए, एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड्स के लिए इसको मसाज कीजिए इस तरह से। मैं दूसरा स्ट्रैंड भी ले लूँगी एंड सेम टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है। या नीम का तेल कड़वा होता है, तो थोड़ी सी स्मेल कड़वी आ रही है, बट इट्स ओके, इट्स नॉट इरिटेटिंग। कड़वा है तो इससे समझ सकती हूँ मैं कि हाँ ये अच्छा वाला नीम का तेल है, क्योंकि नीम की स्मेल वैसे भी कड़वी ही होती है। तो इसको इस तरीके से अपने टिप्स पर लगाइए, ऊपर भी लगाइए, ऊपर भी डैमेज होता है लेकिन टिप्स पर ज़्यादा लगाइए। ओके, तो मैंने अपने दोनों सेक्शंस जो मैंने लिए थे उनमें अच्छे तरीके से रब कर लिया है ये वाला पेस्ट एंड यस, ये बिल्कुल भी ड्रिप नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑब्वियसली तेल गाढ़ा था एंड एलोवेरा जेल भी गाढ़ा था, तो ये क्रीम के जैसे ही हो गया है। तो लेकिन फिर भी आप घर की टी शर्ट ही पहनना, नए कपड़े नहीं ख़राब करना। तो ये इस तरीके से मैंने कर लिया। अब सिमिलरली मैं ये जो हाफ पोर्शन मैंने टाई किया था ऊपर, इसको भी अनटाई कर दूँगी एंड देन मैं ये सेक्शन ले लूँगी अपने बालों का इस तरफ आधा, एंड ये जो आधा सेक्शन है इसको फिर से मैं टाई कर लूँगी। ओके, इस तरीके से, ताकि सारे बाल मिक्स ना हो जाए। तो इसको भी मैंने यहाँ पे टाई कर लिया है एंड यस, अब जैसे सिमिलर मैंने स्टेप यहाँ पे फॉलो किया, इन बालों में भी मैं सिमिलरली वही स्टेप्स फॉलो करूँगी। आप यहाँ पीछे वाले साइड से शुरू कीजिएगा हमेशा, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए इसको। ओके, तो मैंने अपने पूरे बालों पे इस पेस्ट को अच्छी तरीके से लगा लिया है, स्पेशली टिप्स पर, क्योंकि टिप्स सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। एंड अब इसको हम अपने सारे बालों को एक बन में सिक्योर कर लेंगे। तो आप इस तरीके से इसको ऊपर बांध लीजिए
एंड यस हमें हमारे पेस्ट को, ये वाले पेस्ट को सिर्फ आधा घंटा ही रखना है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो. सॉरी मेरा चश्मा नीचे आ रहा था. हाँ, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आधा घंटा इज मोर देन इनफ. एंड फिर आप इसको वॉश कर सकते हैं अपने रेगुलर शैम्पू एंड कंडीशनर से. आप देखेंगे कि आप पहले वॉश के बाद देखेंगे कि कितना ज़्यादा शाइनी और सॉफ्ट हो गए हैं आपके बाल. और साथ ही साथ ये जो नीम का तेल हमने इस्तेमाल किया है, ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी कैरी करता है. तो अब आप इसको थोड़ा बहुत अपने स्कैल्प पर भी इस तरीके से रब कर सकते हैं, अपने टिप से आखिरी का जो बच जाता है वो ही रब कर लीजिए. तो इससे आपका डैंड्रफ भी दूर हो जाएगा, बाल सॉफ्ट सिल्की और रिपेयर तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी चली जाएगी एंड आपके पास होगा एक हेल्दी स्कैल्प. सो गाइज, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इसको ट्राई कीजिए, आपको सच में रिजल्ट्स मिलेंगे. बहुत ही ज़्यादा अच्छा और असरदार है और सस्ता है, बहुत अफोर्डेबल भी है. ये जो नीम तेल है ये मुझे मिला है ₹55 में और इसकी क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. एंड आपको ये पैक लगाना है हफ्ते में सिर्फ एक बार, तो आप संडे टू संडे लगा लीजिए या फिर जो भी दिन आप कंफर्टेबल हो आप तब लगा लीजिए. एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे काफ़ी जल्दी, आपके जितने भी डैमेज्ड बाल हैं वो रिपेयर हो जाएंगे. एंड येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन मेक श्योर दैट यू लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट वो भी ये वीडियो देख सके और अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी अपने बालों को अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके अपने घर में. एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.